अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शानी ट्रैवलर। आज सबसे मच अवेटेड टॉपिक है साउथ कोरिया का विजिट वीजा। एक आपको इन्फॉर्मेशन देता चलो कि मैंने खुद साउथ कोरिया के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी किए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी अप्लाई नहीं करना। साउथ कोरिया का अभी वीजा जो है विजिट वीजा वो ओपन है। इसका पाकिस्तानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तानी कैसे करते हैं, विजिट वीजा लेते हैं, विजिट वीजा लेने के बाद वो चले जाते हैं वहाँ पे और वो वहाँ पे जॉब देखना शुरू कर देते हैं, जिस तरह ये दुबई में कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उसकी वजह से साउथ कोरिया ने जो है ना वो डिले कर रहे हैं विजिट वीजा के हवाले से। अच्छा, मेरा कब का प्रोग्राम है? मेरा जो प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह मार्च से अप्रैल में, और ये जो वीडियो है ये ओन टिवाना की रिक्वेस्ट पे स्पेशल मैं बना रहा हूँ। सो ओन टिवाना साहब, गौर से सुनिए, अगर साउथ कोरिया का विजिट वीजा कैसे लेते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल है, इस चैनल पे एडवेंचर वीलॉग्स वीजा की इंफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम जाया किए कि साउथ कोरिया का विजिट वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। साउथ कोरिया का विजिट वीजा हासिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट भी, इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती। बैंक स्टेटमेंट सिर्फ इतनी चाहिए, 6 से 7 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? FRC और आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए 6 माह के लिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स। सो आप इन डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की आपने एक PDF फाइल बनानी है, फिर इसका एक ओरिजिनल और एक कॉपी सेट बनाना है। वो दोनों सेट बनाने के बाद आपने कहाँ पे जाना है, वो आपको बता रहा हूँ। आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा एम्बेसी का सारा एड्रेस। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। सो आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ पर अपनी ऑनलाइन भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं फॉर्म, ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हैं फॉर्म और उसका एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वो प्रिंट किस तरह से होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं सारी वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। और ये मैं खुद साउथ कोरिया का विजिट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हाई डिमांड जो है ना वो विजिट है जो मुझे कमेंट करने वालों की तरफ से आया, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक बैंड म्यूजिक बैंड भी है जो कि बहुत पसंद है पाकिस्तानियों को। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे कांटेक्ट वगैरह भी हो जाए, जिस तरह इलियान से कांटेक्ट हुआ था तो वो मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया था कि वो नेक्स्ट ईयर मेरे चैनल के लिए परफॉर्म करेगा। ये बैंड तो बहुत बड़ा है जो साउथ कोरिया का है, लेकिन लेट्स सी कोशिश करने में क्या हर्ज है कि देखेंगे कि उनका टाइम मिलता है या नहीं। लेकिन ये जो मेरा विजिट है ये मार्च से अप्रैल में जो है ना वो मैंने रखा हुआ है। फिर भी आपको साउथ कोरिया की विजिट वीजा के हवाले से ना समझ आए तो जनाब आपने मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स जो मेरे दिए गए हैं, व्हाट्सएप का दिया गया है, टोटल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी किसी भी कंट्री, दुनिया के किसी भी कंट्री के हवाले से या वीजा फाइल के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में जवाब दिया जाएगा और आपको आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी वीजा फाइल के हवाले से, ईच एंड एवरी थिंग। सो साउथ कोरिया के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर करना है। एम्बेसी का एड्रेस मैंने बता दिया है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। और सबसे मज़े की बात है कि जिस तरह आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो VFS ग्लोबल पे जाकर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और सीधा एम्बेसी चले जाएँ और एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। या इंशाल्लाह अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, अदरवाइज आपको मुश्किल पेश आ सकती है। सेम डे में भी बता देते हैं कुछ, अब ये कितने वर्किंग डेज में होता है ये भी आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा कि तकरीबन 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो अपनी फाइल बेहतरीन बनाएं, अपने फाइल स्ट्रांग बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।